हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत में हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज वाली करंट अफेयर हम लोग डिटेल में जानेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही अच्छे से रिविजन भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में जो 20-20 क्वेश्चन रोजाना रिवाइज करते आ रहे हैं ना, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पर डे हम लोग 20-20 क्वेश्चन जनवरी से लेकर के जनवरी 2023 से रिवीजन कर रहे हैं ऑनलाइनर फॉर्मेट में। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले कल के क्विकली रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया गया, 24 मई को मनाया जाता है भारत में। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बनाए गए। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार और हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद कर दिया है। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास होगा और भारतीय रेलवे ने अभी बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किए हैं। हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में भारत 103वें स्थान पर रहा है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है, ये सिडनी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर के गोविंद राज को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और अभी हाल ही में सोनू सूद जो कि एक फेमस एक्टर हैं, इन्होंने एपेक्स यूनिवर्सिटी में जयपुर में मानद उपाधि हासिल की है। जयपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको ऑनरेड डिग्री दी गई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है रिविजन। अब आज की करंट अफेयर, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से ई शासित बनने वाला पहला राज्य कौन बना। तो दोस्तों केरल बन गया है भारत का पहला ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से ई शासित होगा, ई गवर्न होगा, फुली ई गवर्न होगा। यहां पर देखिए एनडीटीवी का आर्टिकल है आपके सामने, केरला इज द इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने इसको अनाउंस किया है इस बात को। तो केरल 25 मई के बाद से पूरी तरीके से ई शासित वाला पहला राज्य है, यानी केरल में जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं होगी वो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के जरिए ही प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना जाएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। देखो अभी आपको अगर याद हो कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि केरल बना था पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करना शुरू किया था। मतलब वहाँ कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो नहीं, बल्कि सरकारी जो है सरकार की तरफ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर अब देखो इन्होंने ये भी कह दिया है कि इंटरनेट सेवा वहाँ पर नागरिकों का मौलिक अधिकार रहेगा, यानी वहाँ पर इंटरनेट सर्विस मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पूरी तरीके से केरल को घोषित कर चुके हैं ई गवर्नेंस राज्य। यहाँ पर 80 सरकारी डिपार्टमेंट में 886 सेवाओं का लाभ लोग ई गवर्नेंस के तहत ले सकेंगे। ठीक है, तो यानी पूरी तरीके से डिजिटली होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था केरल ही तो वो राज्य है जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग को अपनाने वाला पहला राज्य बना था। यहाँ पर एक पोलम पारा ग्राम पंचायत है जो पूरी तरीके से डिजिटलीकृत पहला ग्राम पंचायत बना था भारत का। ये सभी केरल से रिलेटेड क्वेश्चन, इनको आप याद रखिएगा। केरल ने ही खुद की जो कैब टैक्सी सेवा कह सकते हैं वो शुरू किया। ठीक है, कैब टैक्सी सेवा मतलब कि जैसे कि ओला उबर आप सुनते हो ना, तो ऐसे वहां पर सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। तो केरल जो है ये बहुत सारे ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लिया हुआ है। केरल की बात कर ही लेते हैं, केरल कहाँ पर है। यहाँ पर देखोगे आप दक्षिण में ये रहा केरला, ये अपना बॉर्डर कर्नाटका से और तमिलनाडु से शेयर किया करता है। तिरुवनंतपुरम यहाँ के कैपिटल है, सीएम है पिनरई विजयन, ये CPIM पार्टी से है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर झीलों की बात करें, वेबनाडु कायल झील है, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली बहुत बार पूछा जाता है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, पलक्कल गैप है, इसके अलावा पालघाट है, पालघाट दर्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, कथकली मोहिनीअट्टम कालीअट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यहीं पर तो ओणम मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, याद रखना ये भी। इसके अलावा जिलों की संख्या 14 है, विधानसभा में 141 सीटें, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 सीट यहां से जाती है। अगला, गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने कहां पर गेन्स 2023 नामक स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। तो दोस्तों GRSE के द्वारा अभी गेन्स 2023 नामक स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है कोलकाता में। GRSE आप जानते हो बहुत बार ये चर्चे में रहता है जब ये कोई सिप बनाता है,
ठीक है, गार्डन रिच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है। सिप के निर्माण में, सिप जो पानी की जहाजें हैं उनके निर्माण में इसका अहम योगदान रहता है, और इसके द्वारा अभी एक स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है गेंस नाम से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सिप के बिल्डिंग में भी, इस सेक्टर में भी कोई स्टार्टअप आ सके जिनको इनके गाइडेंस में काम करने का, मतलब जो ये इनके गाइडेंस में काम कर सके और साथ ही साथ इनका हेल्प कर सके। ठीक वैसे ही समझिए जैसे मैंने आपको बताया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आजकल स्पेस स्टार्टअप से को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो स्पेस एजेंसियां हैं, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है ऐसा, जिससे वो इसरो की मदद कर सकें, तो भारत सरकार उनकी हेल्प कर रहा है। ऐसे ही भारत सरकार यहाँ पर देखो सिप बिल्डिंग्स के लिए यहाँ पर नए नए इनिशिएटिव या स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च करके नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। गेंस का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, GRSC एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसने लॉन्च किया है कोलकाता में, इसे याद रखिएगा, नर्चरिंग इसे कर लीजिएगा, नर्चरिंग स्कीम है ये। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जॉर्जी गॉस्पोडिनो, इन्होंने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता? तो दोस्तों इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनो को। ये बुल्गेरिया के हैं और इनको इनके उपन्यास, इनके नॉवेल टाइम सेल्टर के लिए मिला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार देखो गीतांजलि श्री को मिला था टॉम बॉब सैंड के लिए, है ना, टॉम बॉब सैंड के लिए पाई थी और हिंदी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। इस बार देखो ये बुल्गेरिया के हैं और टाइम सेल्टर इनका उपन्यास है और इसके लिए इनको मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनो को पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनके देश का, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल देखिए, फर्स्ट बुल्गेरियन ऑथर विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो इन्होंने जीत लिया है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है साहित्य के क्षेत्र में, पुस्तक लिखने पर दिया जाता है, उपन्यास के लिए दिया जाता है, ये इंग्लिश उपन्यास के लिए दिया जाता है। यही कारण है कि देखो इंडिया में अभी पहली बार हिंदी के लिए मिला था, एक्चुअली में वो हिंदी के लिए नहीं मिला था, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था। ठीक ऐसे ही इन्होंने भी टाइम सेल्टर को ट्रांसलेट करवाया, टाइम सेंटर का अनुवाद किया एंजेला रोडेल ने और उसके बाद इसने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। टाइम सेल्टर वैसे इससे पहले स्ट्रेगा यूरोपीय पुरस्कार भी जीत चुका है, तो पिछले वर्ष टॉम बॉब सैंड वाला, ये भी याद रखिएगा, हिंदी का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बना था। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो जुगलबंदी लॉन्च किया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट होगा जो ग्रामीण भारतीयों के लिए होगा। ग्रामीण भारतीयों को कोई मूलभूत सुविधाएं, जैसे उनको खेती के बारे में जानकारी या बेसिक जो मीडिया के बारे में जानकारी देना हो, इन सब के लिए ये AI चैटबॉट होगा। ChatGPT की तरह ही तर्ज पर होगा ये, एक प्रकार से कह सकते हैं, पूरी तरीके से राइवल तो नहीं कहेंगे हम लोग, ChatGPT बहुत आगे है। यहाँ पर एक छोटे लेवल का कह सकते हैं रूरल विलेजर्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है और इसको बनाया किसने है, IIT मद्रास के सहयोग से AI फॉर भारत ने इसे विकसित किया है, क्लियर है। तो ये चैटबॉट होगा। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट मतलब ये कि आप उससे चैटिंग कर सकते हो, वो आप किसी एक मशीन से चैटिंग कर सकते हो, मतलब कि आप किसी को कुछ भेजे, चाहे आप कुछ क्वेश्चन भेजोगे, चाहे आप कोई टेक्स्ट भेजोगे, तो उधर से रिप्लाई आएगा ऑटोमेटेड, ठीक है। तो वो बॉट का जो रिप्लाई होता है वो बॉट आपसे चैट करता है, इसलिए उसे कहते हैं चैटबॉट। अब इस लेवल में ChatGPT जो है ये बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि ये ऐसा रिप्लाई देता है कि रिप्लाई का मतलब समझो, आजकल ये लोग सॉल्यूशन के रूप में इसका यूज कर रहे हैं, मतलब लोग इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देता है। ये पुराने जो भी 10-20 साल के डेटा रहे हैं उनको एनालाइज करके उनके अनुसार इतनी फास्ट, इतना तेज से आंसर देता है और बिल्कुल जैसे ह्यूमन के अंदाज में आंसर देता है, इसलिए ये सबका फेवरेट बन गया है ChatGPT, ठीक है। ये भी एक चैटबॉट है और जो भी आप सिंपल यूज करते हो, जैसे आभा नाम का एक चैटबॉट है, उसमें रेलवे में IRCTC आप टिकट बुक करने जाओगे, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो अपना अपना चैटबॉट छोटे मोटे लेवल पर यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इन्फोसिस कंपनी ने किस नाम से अपनी पहली AI आधारित सेवा शुरू की? देखो सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, यही है 6th जनरेशन,
ठीक है। तो इंफोसिस कंपनी जो है इसने भी अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेवा शुरू कर दिया है, इसका नाम होगा टोपाज। याद रखना चैट जीपीटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये ओपन एआई का टूल है, ओपन एआई एक कंपनी है उसका टूल है, बार्ड ये गूगल का टूल है, गूगल ने बार्ड नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया था, और टोपाज जो है ये इंफोसिस ने शुरू किया है। हालांकि ये चैटबॉट नहीं है, ध्यान रखिएगा इंफोसिस जो शुरू किया है ये चैटबॉट नहीं है, ये एक सर्विस होगी, ये एआई बेस्ड सर्विस होगी। एक्चुअली में इंफोसिस कंपनी जो है ये आईटी कंपनी है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस के बाद, ठीक है। तो इसने ये लॉन्च किया है। अच्छा अगर आपको याद हो तो कल या परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था कि टीसीएस ने अभी गूगल के साथ समझौता किया है, गूगल के साथ समझौता किया है सेम ऐसे ही जनरेटिव एआई के लिए, किया था नहीं बताया था कि नहीं, अभी जनरेटिव एआई पर वो दोनों वर्क करेंगे, यहाँ वो वर्क करने की शुरुआत ही करने की घोषणा किए, यहाँ इंफोसिस लॉन्च ही कर दिया। इंफोसिस ने टोपाज नाम से अपना जनरेटिव एआई टूल ये लॉन्च कर दिया है। ये क्या करेगा, जो भी कोई सेवा लेना चाहेगा इंफोसिस कंपनी से, क्योंकि ये आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, तो जो भी इनसे सर्विस लेना चाहेगा तो उनको ये अब एआई बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये है टोपाज, इसका काम होगा मनुष्य या कोई उद्यम है कोई कम्युनिटी है उनकी क्षमता को उजागर करना, मतलब अगर वो एआई टूल लेना चाहते हैं तो वो प्रोवाइड करना, ठीक। ऐसे ही एक डील पर काम कर रहे हैं कौन, टीसीएस और गूगल। इंफोसिस की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, सीईओ है सलील पारेख और संस्थापक है इसके एनआर नारायण मूर्ति। अच्छा जी ये सफलता बैच आया हुआ है और इनरोलमेंट अभी भी चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको इनरोल कर रहे हैं, आप लोग भी इसको लीजिए। जीएस सफलता बैच 2.0 की खास बात यह है कि आपको 18 महीनों तक वैलिडिटी मिल रही है और ये सिलेबस 3 से 4 महीनों में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप ई बुक भी पाओगे हर एक महीने की इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा आपको, और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि जीएस एक बार पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से उसके बाद एग्जाम में बैठना चाहिए, तो आप ये बैच जरूर ले सकते हो, क्योंकि 3 से 4 महीनों में आपका जीएस इस प्रकार से मजबूत हो जाएगा कि उसके बाद से आपको जीएस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी के सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना होगा। 15 मई से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है तो अभी भी एनरोलमेंट जारी है, जल्दी जाइए इसको ज्वाइन कीजिए। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों अभी हाल ही में ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो कि अमेरिका इजराइल वगैरह की नींद हराम कर दिया है, क्योंकि ये 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम है इसका खैबर। देखो ईरान के कोई भी मिसाइल के परीक्षण करने पर टेंशन सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल को होता है, क्यों होता है, कारण ये है कि ईरान जो है ये ओपनली कहता है इसराइल को मैं देश नहीं मानता, और भी बहुत सारे देश हैं जो इसराइल को देश नहीं मानते हैं, और ये बहुत ही मतलब कट्टर दुश्मन है एक प्रकार से इसराइल को, ये तो ये कहता है कि कभी भी जब भी मौका मिला इसको खत्म कर देंगे। कारण भी है इसके पीछे, कारण ये है कि इसराइल के इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इतने बड़े बड़े जो वहां के नेता हैं उन लोग को इसराइल अक्सर मरवा दिया करता है, आप देखते भी रहते हो बहुत सारे ऐसे न्यूज आपको देखने को मिलते हैं सुनने को मिलते हैं, पिछले भी कुछ सालों में देखने को मिले हैं, इसके बड़े बड़े जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं नेता हैं उनको मरवा दिया गया है, ठीक है, आर्मी के जो चीफ हैं उनको मरवा दिया गया है इसराइल के द्वारा, कभी ड्रोन अटैक से कभी वैसे अटैक से। तो इसलिए इसराइल और ईरान इन दोनों के बीच में बहुत कट्टर दुश्मनी है ही, अमेरिका के बीच में है, तो ऐसे में 2000 किलोमीटर रेंज की कोई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया ईरान, वो भी एक गुप्त जगह से, तो ये बहुत टेंशन की बात है। ये चौथी जनरेशन का है और बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि देखो एक होता है क्रूज मिसाइल एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज जो मिसाइल होती है वो हल्की मिसाइल होती है, मतलब कम पेलोड ले जा सकती है, पेलोड बोले तो बारूद वगैरह, तो और जो बैलिस्टिक होती है वो भारी भरकम मात्रा में पेलोड ले जा सकती है, इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भारी मिसाइल है और वो लंबी रेंज की होती है। तो 2000 किलोमीटर की है, नाम है इसका खैबर, सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करेगी, ठीक है। आगे, नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा स्पीकर के पास एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड रखा जाएगा, इसका क्या नाम है,
बहुत ज़्यादा ये चर्चे में है, और इस पर मैं हो सकता है आज दिन में आपको एक वीडियो भी दूं डिटेल में, जिसमें आपको पूरा इसका इतिहास समझाऊंगा। ये जो ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड है, इसका नाम है सेंगोल, इसका क्या इतिहास है और ये क्यों लोकसभा स्पीकर के पास में रखा जाएगा, इस पर क्यों बातचीत चल रही है, ये सब हम लोग जानेंगे। वैसे तो इन सब की चर्चा के बीच एक और चर्चा चल रही है कि संसद का उद्घाटन, संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा। फिलहाल वो तो राजनीतिक विषय है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे सेंगोल के बारे में। सेंगोल जो है ना, ये एक गोल्डन सेप्टर है। गोल्डन सेप्टर एक ऐसा जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, पहले आप इसको तस्वीर देख लो, ये है सेंगोल। सेंगोल एक्चुअली में इसका इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या कि जब भारत देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, 1947 में अंग्रेजों को यहाँ से जाना था सत्ता सौंप करके, तो फिर एक बात उठी कि यार सत्ता सौंपेंगे ठीक है, कैसे पता चलेगा कहाँ सत्ता सौंप दिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए कि हाँ लो आज से हम आपको दे दिए ये चीज़, आज से आप ये देश संभालो, कुछ तो ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसे में ऐसा क्या किया जाए कि जिससे लगे कि हाँ ये एक सेरेमनी आयोजित हो और उस सेरेमनी में वो चीज़ सौंपी जाए, तो हो कि सत्ता सौंप रहे हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि समझो कि कोई जब नया राजा बनता है तो फिर उसको मुकुट पहनाया जाता है, ये तो आप देखे ही होगे ना, तो सुने ही होगे या देखे ही होगे कि मुकुट पहनाया गया तो उसका क्या कहते हैं, राज्याभिषेक जिसे कहते हैं, वो हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो राजा बना। ऐसे ही अंग्रेज जब जाएंगे तो उनके लिए कैसे पता चलेगा कि ये सत्ता सौंप कर जा रहे हैं। तो इसके बाद सी राजगोपालाचारी जी थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि दक्षिण भारत में एक कल्चर है, वहां पर हुआ करता था चोल वंश में, कि वहां पर सेंगोल को सौंपा जाता था अगले राजा को। सेंगोल जो होता था ना, वो वही दक्षिण भारत कल्चर से आया है। तो एक सेप्टर हुआ करता था सोने का, तो वही सेप्टर फिर बनवाया गया और उसी सेप्टर को फिर सौंपा गया जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है ना। तो ये है इसका इतिहास, के बारे में और डिटेल में आज बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी। फिलहाल इसको बनवाया था ज्वेलर बुमबुडी बंगारू चेट्टी ने, नंदी बैल इसके शीर्ष पर बना हुआ है, पूरा ये गोल्डन है, और ये लोकसभा अध्यक्ष के पास में रखा जाएगा, यानी जहां पर स्पीकर बैठेंगे ना वहीं पर पास में रखा जाएगा, नई संसद भवन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके लिए देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको रिसर्च करके इस प्रकार से समझ करके आपको समझाऊँ, जिससे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो इसके लिए पीछे हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत तभी सफल होती है जब आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है, कोई पैसे नहीं लगने हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो जितने लोग देख रहे हो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ठीक है, जो लोग नहीं किए हो तो, और लाइक भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में कितने भारतीय शांतिरक्षक सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में 3 ऐसे भारतीय शांतिरक्षक सैनिक जो अपनी सेवा देते देते मरणोपरांत मतलब शहीद हो गए और वीरगति को प्राप्त कर गए, उनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। मई 2023 में ये अनाउंसमेंट हुआ है। ये रुचिरा कंबोज आपको दिख रहे हैं, ये यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो 3 व्यक्ति हैं ये कौन कौन हैं, इनमें हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह हैं और संवाली राम बिश्नोईन हैं। ये दोनों जो हैं ये कांगो में संगठन स्थलीकरण मिशन के साथ काम कर रहे थे, और साबर ताहिर अली ये इराक में जाकर संयुक्त राष्ट्र के लिए सहायता मिशन में काम कर रहे थे। तो इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। अब देखो ये अब सोचोगे कि भारत के सैनिक यूएन के द्वारा वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, तो देखो यूएन की होती है, संयुक्त राष्ट्र की होती है पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, जो शांति स्थापित करने के लिए जिन जिन देशों में, जैसे बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं वहाँ पर शांति नहीं है, इन द सेंस कि मतलब वहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे गुट हैं, वो आतंकवादी संगठन हैं, वो आपस में बवाल मचाए रहते हैं, तो वहाँ पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है, जहाँ पर दुनिया भर से सैनिक जो हैं वो रहते हैं, शामिल रहते हैं। तो उसमें इंडिया से भी सैनिक जाते हैं, अब इंडिया से कहीं BSF से जाते हैं, कभी CRPF से जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से जाते हैं। तो ये वही गए थे ये लोग, ठीक है, कांगो में और इराक में ये यहाँ काम कर रहे थे। चलो अगला, प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX2 मिशन लॉन्च किया है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है दोस्तों एक्सियोम स्पेस ने। एक्चुअली में ये रॉकेट का इस्तेमाल किए हैं स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9, ठीक है ना, वही वाला रीयूजबल वाला। तो उसके द्वारा AX2 मिशन लॉन्च किया गया है, एक्सियोम स्पेस जो है इसका ये मिशन है, ये भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसका ये मिशन है। ये मिशन किसके लिए होगा?
ये मिशन बेसिकली दोस्तों कैंसर के उपचार पर रिसर्च करेगा, कैंसर को लेकर के डीप रिसर्च करेगा और इसके लिए जा रहा है अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, अच्छा इसी मिशन में याद हो आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे सऊदी अरब के। ठीक है, तो वो भी इसी में ही शामिल हुए हैं, वो भी इसी में गए हैं। तो वो 4 गए हुए हैं जिनमें एक सऊदी अरब की पहली महिला है और यहाँ पर एक्सियोम का ये पूरा का पूरा रिसर्च करने के लिए वो लोग गए हुए हैं। तो कैंसर पर प्रयोग करेंगे। अब आप सोचोगे कैंसर का इलाज का चार्ज करने अंतरिक्ष में क्यों गए हुए हैं? देखो कारण ये है ना, वहां पर जाकर के ये लोग माइक्रोग्रेविटी पर, माइक्रोग्रेविटी वहां पर वातावरण में जाकर के सेल का जो मनुष्य की जो कोशिका होती है उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि वहां पर कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि देखो सेल की ही जो असामान्य वृद्धि होने लगती है उसी को तो कहते हैं कैंसर, कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। तो उसी के बारे में ये लोग रिसर्च करेंगे कि वहां पर जाकर के, वहां की ग्रेविटी में जाकर के कैसे रिएक्ट करता है, मानो कि जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं इनकी उम्र कैसे बढ़ती है, सूजन कैसे होती है, इनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, स्थिरता है, ये कैसे काम कर सकती है, इसके लिए लोग अंतरिक्ष में गए हुए हैं। ठीक है, चलो आगे। भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में हुए अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता? तो देखो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर। ग्रीस में अभी एक अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीट आयोजित हुआ और उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इंडिया के खेमे में आया। इन्होंने अपने ही देश के खिलाड़ी को, एथलीट को हराया हुआ है जो कि कौन है, जसवीन अल्ड्रीन। ठीक है, तो उनको सिल्वर मिला है और इनको मिला है गोल्ड मेडल। तो ये कालिथिया ग्रीस में आयोजित हुआ, 8.18 मीटर की अपनी इन्होंने सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई और उसके बाद लंबी कूद में ये जीत लिया है। तो जसवीन एल्ड्रिन सिल्वर पाए और ये पाए गोल्ड मेडल। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी सब अच्छे तरीके से और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। 6 मंथ की ईबुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिनको लेना है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर MZT ऐप से जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा GS सफलता बैच भी आप ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग रिविजन सेक्शन पे आते हैं। देखो आज है 10वां दिन और धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाइयों का डोज लेते लेते आप लोग पहुंच गए हो 181वें क्वेश्चन पर। आज आप लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। 20-20 क्वेश्चन हम लोग रोजाना रिवाइज करते हैं, जनवरी से लेकर के आज तक का रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में गेम खेलने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। ASI ने बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। 2 लघु स्तूप खोजे गए हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह जी नियुक्त किए गए और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने का दावा किया है 2025 तक। भारत और मिस्र के बीच में सैन्यभ्यास चक्रवात वन आयोजित किया गया। इसके अलावा भारत ने अभी क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सलसेन ने जीत लिया है। PCI CDA अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के लिए सरकार ने जम्मू और कश्मीर को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। और अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने कांटी वेलगु पहल शुरू की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त आई चिकित्सा पहलों में से एक है। KK वेणु ने, जो कि एक लेखक हैं, इनको फेडरल बैंक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया अमेजन। पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, राज्य पढ़ा, तो राज्य पढ़ा तो राज्य में क्या था, केरल। और देखो यहाँ पर शिफ्ट होने वाले पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। तो दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक ने अभी पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर इकोनॉमी करार दिया। अजंता एलोरा फिल्म समारोह 7 साल बाद आयोजित हुई। गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है राजस्थानी फिल्म नानेरा ने। ठीक है, ये अजंता एलोरा फिल्म समारोह 7 साल बाद इस बार हुई थी। कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2023 के लिए तैयार की गई IT सर्विसेज 25 की सूची में टॉप पर है एसेंचर। ये दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, TCS दूसरे पर है। अगला, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी प्राप्त की। रूस भारत का कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, चौथा।
भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, और टॉप पर कौन आ गया है? अमेरिका। और अभी हाल ही में कृष्णमचारी श्रीकांत ने कम लेट्स रन नाम की पुस्तक लॉन्च किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। और 200वां क्वेश्चन है आपका, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं प्रिंस शुभमन गिल। तो ये देखो 200 क्वेश्चन आप मजाक मजाक में ही तैयार कर लिए, ठीक है। रोजाना आप करंट अफेयर जरूर देखने आया करो, आपका रिविजन भी साथ साथ चलता रहेगा। चलिए तो हम लोग कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था बीएसएनएल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार पुरवार हैं। इसके अलावा कोप साउथ अभ्यास ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में होता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का क्या नाम है, बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा ऑप्शन। उत्तर प्रदेश से हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मस्कट किसे बनाया गया है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, लाइक नहीं करते हो मतलब बहुत बुरा लगता है, लाइक जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।